हेलो माय डू फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरा नाम राज। गाइस, आपको अपने चैनल की ये पांच इंपॉर्टेंट सेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक नए क्रिएटर हो, आपने 2022 में अपना एक न्यू चैनल बनाया है, तो परमानेंट आपको ये पांच इंपॉर्टेंट सेटिंग करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके व्यूज़ इंक्रीज होंगे और यहाँ पर आपकी वीडियोज़ का इंप्रेशन यूट्यूब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेगा। अगर आप ये पाँच सेटिंग परमानेंट एक बार आपको करके रखना अपने चैनल पर, जिससे आप ही का फायदा होगा। मैं लेके चलता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पर, वहीं पर सारी चीज़ें बताऊँगा। और मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें आप अपने फोन से भी कर सकते हो। लैपटॉप में इसलिए बता रहा हूं कि आपको वहां पर काफी साफ दिखाई दे और बड़ा दिखाई दे, इसीलिए बता रहा हूं। अगर वीडियो पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें गाइस, और इस फैमिली में जुड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा भाई को सपोर्ट करें। तो चलिए फिर चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर, उस बाकी सारी बातें बाद में। तो गाइस, मैं सीधा लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर आ गया और यहां पर मैंने अपना चैनल जो है ओपन कर लिया है। सबसे पहली सेटिंग के बारे में बात करते हैं। यहां पर आपको लेफ्ट साइड में सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहां पर आपको अपलोड डिफॉल्ट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहां पर एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप एडवांस सेटिंग पर क्लिक करते हो तो यहां पर कैटेगरीज को सेलेक्ट करना है। बहुत सारे नए क्रिएटर्स आते हैं, वो अपने चैनल की कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करते, जिससे आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आते और आपकी वीडियोस का इंप्रेशन यूट्यूब नहीं भेजता है, क्योंकि यूट्यूब को खुद नहीं पता होता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी का है। तो आपको पहले कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। तो कैटेगरी पर मैं क्लिक करता हूं। यहां पर अगर आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल है, जैसे कि यहां पर एजुकेशन दिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया है, ठीक है, एजुकेशन दिया है, कॉमेडी दिया है, यहां पर आप देख सकते हो। अगर व्लॉग से है आपका चैनल, गेमिंग से रिलेटेड है, तो आपको इनमें से एक कैटेगरी को चूज करना है। म्यूजिक है, एनिमेशन है, फिल्म एंड एनिमेशन है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, ट्रैवल है, तो इनमें से आपको एक कैटेगरी को चूज करना है। तो मैं यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को चूज़ करके रखा हूँ। तो ये रहा, यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया और यहाँ से आपको सेव कर देना है। पहली सेटिंग आपकी यही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव वाला ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पहले से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को चूज़ करके रखा है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये था पहला, आपको सेटिंग मैंने बता दिया। उसके बाद आपको मैं दूसरा सेटिंग बता देता हूँ। बहुत सारे नए क्रिएटर्स पता है क्या करते हैं, यहाँ से क्रिएटर वाले ऑप्शन से वीडियो को अपलोड कर देते हैं। अपलोड तो कर देते हैं, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन बार बार लिखते हैं अपनी वीडियो का। तो अब मैं यहाँ पर पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने पहले से लिख कर रखा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा लिखा हुआ है। तो जो नए यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन बार बार, जब भी वो अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो बार बार यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो आप इसको एक बार परमानेंट आप डिस्क्रिप्शन को लिख कर रख सकते हो, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप कहां से अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार लिख कर रख सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा सेटिंग बताने वाला हूं। आपको वापस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप आते हो तो यहां पर आपको अपलोड डिफॉल्ट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहां पर टाइटल का एक बॉक्स दिया हुआ है। जो भी आपकी वीडियो जो जिससे भी रिलेटेड होती है, वो आप यहां पर टाइटल लिखते हो उस वीडियो का, ठीक है। तो टाइटल में तो हमें कुछ लिखना नहीं है क्योंकि हमारी हर वीडियो का टाइटल अलग होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में यहां पर लिखा हुआ है अपने चैनल से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं तो यहां पर मैंने अपने सिस्टर के चैनल का लिंक दे रखा है। यहां पर मैंने अपने मेरा जो व्लॉग वाला चैनल है उसका मैंने लिंक दे के रखा हुआ है। उसके बाद यहां पर मैंने कुछ एफिलिएट्स के लिंक दे के रखे हुए हैं। उसके बाद यहां पर नीचे मैंने अपने यहाँ पर सोशल मीडिया का लिंक्स देके रखा हुआ है यहाँ पर। और लास्ट में मैंने यहाँ पर अपने चैनल से रिलेटेड दो तीन टैग लगा के रखे हुए हैं, और यहाँ पर हैशटैग लगा रखे अपने चैनल से रिलेटेड, और लास्ट में मैंने बिजनेस से रिलेटेड अपने चैनल का ईमेल आईडी देके रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको परमानेंट एक बार डिस्क्रिप्शन लिख कर रखना है। उसके बाद जब भी आप अपनी वीडियो का जो है अपलोड करते हो, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है वीडियो का जो टाइटल है उसको एक बार आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मैंने यहाँ पर पेस्ट करके रखा, और वीडियो से रिलेटेड तीन चार टैग्स लगाने हैं जो कि मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यूअर क्वेरीज करके, और इसी तरीके से आपको अपनी हर वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको एक ही बार परमानेंट यहाँ से सेटिंग्स में से सेटिंग में जाना है आपको, और अपलोड डिफॉल्ट्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक बार ये डिस्क्रिप्शन लिख कर रख देना, और यहाँ से आपको सेव कर देना। ये परमानेंट आपका सेव हो जाएगा गाइस। तो इसी तरीके से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, तो अपना टाइम बचा सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ से इसको बैक लेकर आ जाता हूँ। मैं बैक लेकर आ गया। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर तीसरा सेटिंग बताने वाला हूँ। जैसे ही वो अपनी वीडियो को अपलोड करता है तो उसकी वीडियो डायरेक्ट पब्लिक हो जाती है। यहाँ पर उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर करना क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, वापस सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर आपको अपलोड डिफॉल्ट्स पर क्लिक करना, और नीचे आपको यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनलिस्ट।
ये मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर पब्लिक रहता है और आप वीडियो को अपलोड करोगे डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन से, तो डायरेक्ट आपका पब्लिक हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पर आप ना डिस्क्रिप्शन लिख पाओगे, ना टाइटल लिख पाओगे, ना टैग्स लगा पाओगे। तो इसलिए कभी भी अपनी वीडियो को अपलोड करना है तो अनलिस्ट करके करना, तो इसको आपको परमानेंट यहाँ पर अनलिस्ट को सेलेक्ट करना और यहाँ से आपको सेव कर देना। ये अगर आप सेव कर देते हो, जब भी आप वीडियो को यहाँ से अपलोड करोगे क्रिएट वाले ऑप्शन से, तो सीधा आपका अनलिस्ट में जाएगा, आपकी वीडियो को कोई देख नहीं पाएगा, ठीक है गाइस, जब तक आप अपनी वीडियो को खुद पब्लिक नहीं करते हो। तो ये था YouTube का जो है तीसरा सेटिंग जो कि मैंने आपको बता दिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर जो है क्रिएटर बहुत सारी गलती करते हैं नए यूट्यूबर्स, जो कि आपको मैं चौथा सेटिंग बताने जा रहा हूँ आपको अपने चैनल का। यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना है, जैसे हम सेटिंग वाले ऑप्शन पर आते हैं आपको चैनल पर आ जाना गाइस। चैनल पर मैं जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग में आ जाना। एडवांस सेटिंग में मैं जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने चैनल पर जो भी वो वीडियो डालते हैं वो यहाँ पर ये चूज नहीं करते, यहाँ लिखा क्या, यस सेट दिस चैनल एज मैड फॉर किड। आप जो वीडियो बनाते हैं वो क्या बच्चों के लिए है, अगर बच्चों के लिए है तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है, और अगर आप जो वीडियो बना रहे हो वो बच्चों के लिए नहीं है तो आपको नीचे वाले को सेलेक्ट करना है। इससे क्या प्रॉब्लम होता है, अगर आप ये नहीं सेलेक्ट करते हो, जैसे कि मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, अगर आप ये नहीं सेलेक्ट करते तो बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट जो है टर्न ऑफ हो जाता है, और यहाँ पर वो उसके जो व्यूवर होते हैं वो कमेंट नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर इन्होंने चूज करके नहीं रखा है। तो आपको पहले ये एक सेटिंग जो है चौथी सेटिंग इसको कर लेना है, यहाँ पर आपको कर देना है नो सेट दिस चैनल एज नॉट मैड फॉर किड, मतलब कि ये जो चैनल है वो बच्चों के लिए नहीं है, जो भी मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ वो बच्चों के लिए नहीं है, वो 18 से ऊपर वालों के लिए। तो आपको ये नीचे वाला सेलेक्ट करना है, अगर बच्चों के लिए है तो आपको ये ऊपर वाला सेलेक्ट करना गाइस, ठीक है। तो ये था YouTube का चौथा सेटिंग। उसके बाद मैं एक सेटिंग और बता देता हूँ जो कि आपको नीचे लेकर आना है। यहाँ पर एक सेटिंग है सब्सक्राइब हाइड को लेकर, ठीक है। जब आप अपना चैनल बनाते हो और जब वीडियोज डालते हो तो अगर आपने सब्सक्राइब को अपना हाइड करके नहीं रखा है तो इस तरीके से टिक लगा होगा, और यहाँ पर आपकी वीडियो पर जो भी व्यूवर आएगा देखेगा तो वो वहाँ पर सब्सक्राइबर भी देख सकता है आपकी वीडियो पर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अनटिक कर देते हो तो आपके जो सब्सक्राइबर वो हाइड हो जाएंगे। तो अगर आपको हाइड करना है तो यहाँ पर ये जो टिक होगा इसको अनटिक कर देना, ठीक है, जिससे आपके जो व्यूवर है वो आपके सब्सक्राइबर नहीं देख पाएंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपका चैनल कितना पुराना है कितना नहीं। तो यहाँ पर वो, अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो मेरे हिसाब से चैनल पर जो है सब्सक्राइब को आपको हाइड करके रखना चाहिए गाइस, ठीक है, 2022 में। तो मैं इसको जो है अनहाइड कर दे, मतलब हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने हाइड करके रखा हुआ है, यहाँ पर आपको उसके बाद सेव कर देना है ये दोनों सेटिंग करने के बाद, एक ये और एक ये वाला। तो ये जो सेटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जो मैंने आपको पांच सेटिंग बता दिया। तो देखा गाइस, इसी तरीके से आपको ये पांच सेटिंग कर लेना, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपकी वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, क्योंकि YouTube जो है आपकी वीडियोस का इंप्रेशन ज़्यादा लोगों तक भेजता है अगर आप ऐसा करते हो। तो चलिए मिनट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए मिनट्स, अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।